अस्सलाम वालेकुम, सेकेंड ईयर साइंस। बेटा ये है हमारा आज का चैप्टर नंबर 12 का 6th लेक्चर, ठीक है। इससे पहले सैटरडे को जो था लेक्चर काफ़ी बड़ा सारा था, मैंने उसमें बहुत सारी स्लाइड्स ऐड की थी और मैंने कहा था जितना हमारा लेक्चर वो पूरी स्लाइड्स कवर नहीं हुई थी, जाहिर वो हो भी नहीं सकती थी एक घंटे में, तो मैंने कहा था उन सबको उतार लेना। आई होप कि तुमने सब ने बच्चों ने उतार लिया होगा, ठीक है। तो रजिस्टर्स हमेशा की तरह आज भी मैं यही कह रही हूँ कि रजिस्टर्स खोल के बैठो और जिस वक्त मेरा लेक्चर हुआ करे तो उस वक्त बुक, टेन ईयर और कैलकुलेटर लेके बैठा करो, ठीक है। बुक भी, टेन ईयर भी और कैलकुलेटर भी, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम करने जाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी फ़िलहाल तो अभी मैं थ्योरी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। इससे पहले क्या था कि सैटरडे को हमने क्या पढ़ा था, कैपेसिटर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। कैपेसिटर क्या था मैं भी बता रही हूँ, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, ठीक है। कि कैपेसिटर क्या होता है, जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। पैरेलल प्लेट्स को क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और कैपेसिटर का पर्पस क्या होता है, चार्ज स्टोर करना। जब कैपेसिटर की प्लेट्स को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और कैपेसिटर की प्लेट्स क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, ठीक है। तो जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बैटरी के कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और सेकंड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कैपेसिटेंस, ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस को शो किससे किया था, सी से, और चार्ज क्या था, क्यू था, और वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। फिर हमने देखा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर लें या फिर कोई इंसुलेटिंग मीडियम लें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रखें। डायलैक्ट्रिक था तो मैंने क्या कहा था, जब हम किसी इंसुलेटर को रखेंगे या इंसुलेटिंग मीडियम को रखेंगे, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायलैक्ट्रिक मीडियम भी कहते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि जो इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है, कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एयर रखा तो कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। C क्या था, कैपेसिटेंस, A क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट्स, और D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एरिया, ये इक्वेशन क्या शो कर रही थी कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसी तरह से हमने एक और इक्वेशन ड्राइव की थी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए, कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम क्या रखें, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रखें, तो फिर उस वक्त हमने किससे शो किया था कैपेसिटेंस को, सी से शो, सी डैश से शो किया था। सी डैश किसके इक्वल आया था, सी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। इसमें भी एज इट इज़ वही कॉन्सेप्ट था कि सी जो है कैपेसिटेंस, सी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एरिया ऑफ प्लेट्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे दो हम यूज़ कर रहे थे एप्सिलॉन, एक क्या था एप्सिलॉन आर, दूसरा क्या था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर क्या था, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम, ठीक है। रिलेटिव मीडियम हमने क्यों रखा था, एप्सिलॉन आर क्यों रखा था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, मीडियम ले रहे थे, कोई भी इंसुलेटर ले रहे थे, तो इंसुलेटर क्या था, मीडियम, और जो मीडियम की परमिटिविटी है उससे किससे शो किया था, एप्सिलॉन आर से, ठीक है। ये तो हमारा था सैटरडे का लेक्चर। आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कंपाउंड कैपेसिटर से। अच्छा, कंपाउंड कैपेसिटर से पहले एक चीज़ जो मैं सोच रही थी और मैं चाह रही थी कि बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछें, लेकिन किसी बच्चे ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि ये एप्सिलॉन होता क्या है, परमिटिविटी होता क्या है। मैंने तो बताया ही नहीं तुम लोगों को और तुम लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं, पूछना चाहिए था ना कि मिस ये परमिटिविटी आप कह रही हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, लेकिन परमिटिविटी खुद है क्या, ठीक है ना, परमिटिविटी इटसेल्फ है क्या, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं, पूछना चाहिए था, ठीक है ना। चलो अब ये तुम्हारा होमवर्क दे रही हूँ, तुम लोगों को खुद देखना है कि परमिटिविटी, ठीक है, सिर्फ परमिटिविटी बता दो मुझे क्या है। परमिटिविटी जब आ जाएगा तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी पता चल जाएगा, परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम भी हमें पता चल जाएगा, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि परमिटिविटी खुद है क्या।
तो ये तुम्हारा समझो एक छोटा सा असाइनमेंट है कि तुम्हें देखना है, ढूंढना है परमिटिविटी है क्या, डेफिनेशन सिर्फ दो तीन लाइनों की इसकी डेफिनेशन है और वो मुझे बताओगे, ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे बताते जाओ। ओके, जो हमारा लेक्चर था वो भी मैंने जो टेस्ट लिया था तुम लोगों का फ्राइडे को, वो भी बहुत कम बच्चियों ने दिया टेस्ट, 24 बच्चियाँ थी जिन्होंने टेस्ट दिया टोटल, बाकी बच्चियों ने तो खैर देखा भी नहीं। एनीवेज अब इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे, पहले हम लेक्चर की तरफ आते हैं। थोड़ा सा हमने क्या किया कि रिवीजन किया था कि जो सैटरडे का लेक्चर था वो क्या था, ठीक है ना। अब हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, कंपाउंड कैपेसिटर की तरफ, कंपाउंड और पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। हेडिंग क्या है, कंपाउंड और पार्शियली फील्ड FILLED है ये, ठीक है, FILLED फील्ड है, फील्ड कैपेसिटर। अच्छा, कंपाउंड या पार्शियली फील्ड कैपेसिटर क्या होता है कि इसमें भी हमें क्या करना है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। पहले हमने कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन ड्राइव की कि जब हम क्या करें, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान क्या रखें, एयर रखें, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन ड्राइव की कैपेसिटेंस के लिए कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम क्या रखें, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रखें। अब हम कैपेसिटेंस के लिए ही इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, कंपाउंड कैपेसिटर या फिर क्या कहेंगे, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। कंपाउंड कैपेसिटर या पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो एरिया होता है ना, जो जगह होती है, उसको आधे को फिल करते हैं एयर से और आधे में रख देते हैं इंसुलेटिंग मीडियम। इसको कहते हैं पार्शियली फील्ड कि एक ही वक्त में दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा सपोज जो टोटल एरिया था वो है 4 cm², तो 2 cm² में एयर रख दी और 2 cm² में क्या रख दिया, इंसुलेटर रख दिया, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया, तो उसे कहते हैं पार्शियली फील्ड कैपेसिटर या कंपाउंड कैपेसिटर। पार्शियली फील्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आधी जगह तो खाली है, आधी में एयर है, आधे में क्या रख दिया, इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया। या कंपाउंड क्यों कहते हैं, कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि एक ही वक्त में दो चीज़ें यूज हो रही हैं, एयर और साथ साथ इंसुलेटिंग मीडियम। कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि एक ही वक्त में दो चीज़ें हैं। पार्शियली इसलिए कहते हैं कि सिर्फ इंसुलेटिंग को हम ले मटीरियल को लें तो क्या होता है, पार्शियली फील्ड होता है, ठीक है। पार्शियली हो या कंपाउंड हो एक ही बात है, क्या कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस एरिया को हाफ ऑफ डिवाइड कर दिया, हाफ में रख दी एयर और हाफ में रख दिया कोई भी इंसुलेटर। अब इसके लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है, एयर के लिए तो हम कर चुके हैं ना। अब मैंने क्या कहा कि कंपाउंड कैपेसिटर है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान का जो एरिया है उसके आधे को फिल कर दिया एयर से और आधे को फिल कर दिया किसी भी इंसुलेटर से, और एयर वाला अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एयर वाला तो हम कर चुके हैं पहले, है ना। एयर के लिए हमारे पास क्या आई थी, सी इक्वल्स टू क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। इसी तरह इंसुलेटर वाला भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसुलेटर के लिए भी हम कर चुके हैं। हमारे पास क्या था, सी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। इन दोनों को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में क्या है, ये प्लस प्लस क्या शो कर रहा है कैपेसिटर की, और माइनस माइनस क्या शो कर रहा है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं जिन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, दूसरे पे क्या चार्ज स्टोर है, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें देखो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो एरिया है, हाफ में मैंने लिखा हुआ एयर, हाफ में लिखा हुआ है डायलैक्ट्रिक। डायलैक्ट्रिक का मतलब क्या है, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम। फिर इसके बाद देखो जहां डायलैक्ट्रिक है वहां मैंने लिखा हुआ है स्मॉल टी, और जहां पे एयर है वहां मैंने लिखा है डी माइनस टी, और टोटल एरिया जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान वो क्या है, डी। टोटल एरिया क्या है, डी है। और जो डायलैक्ट्रिक है, डायलैक्ट्रिक को मैंने क्या कहा, इसकी थिकनेस क्या है, टी है। और जो एयर का एरिया है, कितना एरिया कवर कर रहा है, डी माइनस टी, यानी कि टोटल एरिया क्या है, डी है। डी में से अगर मैं टी को माइनस कर दूं तो वो किसके लिए क्या आ जाएगा, एयर के लिए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या सॉरी, डी नहीं है, डी नॉट है, क्या है ये, डी नॉट। ओके, अब क्या है कि अब इसमें देखो हम क्या सपोज करेंगे कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है, हाफ को फिल्ड किया है एयर से, हाफ को फिल्ड किया डायलैक्ट्रिक से। तो इसको जब हम करते हैं तो इसको हम कंसीडर करते हैं कि एक ही वक्त में हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक ही वक्त में दो कैपेसिटर हैं और दोनों सीरीज में हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी मैं करवाऊंगी,
ठीक है। अभी सिर्फ इतना हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं कि जब भी कंपाउंड कैपेसिटर होगा तो एक ही वक्त में दो चीज़ें होंगी, एयर और कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम भी हम कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम सपोज करेंगे कि एयर वाला जो है एक कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक वाला सेकेंड कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं। ठीक है, जब भी कंपाउंड कैपेसिटर होगा तो हम सपोज करेंगे दो कैपेसिटर है और दोनों किस में है, सीरीज में है। जो दो कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में होते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 फॉर्मूला होता है। दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर हो सकते हैं। ठीक है, दो कैपेसिटर तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2। तीन कैपेसिटर हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर होंगे, लेकिन अपॉन की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है डायग्राम में देखो, एक है एयर और दूसरा क्या है डायलेक्ट्रिक। जब एयर के लिए हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था तो हमने सी से शो किया था, और डायलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मीडियम के लिए जब किया था तो किससे शो किया था, सी डैश से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, 1/CD का मतलब क्या है, सी डी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और C डैश अगला क्या है, प्लस 1/C डैश। C डैश क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये C और C डैश वाला हम पहले कर चुके हैं। C D क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर। अब क्या करेंगे, हम लेंगे LCM, LCM आएगा C और C डैश। ठीक है, और सी सी डैश जो आएगा ना उसको बारी बारी क्या करेंगे, 1/C और 1/C डैश दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सी सी डैश को 1/C से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, सी डैश बचेगा। इसी तरह से 1/C डैश को मल्टीप्लाई करेंगे सी सी डैश से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डैश से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/CD = C′ + C/CC'। ये हमारे पास जो आ रहा है ये है 1/CD, हमें सी डी चाहिए, 1 ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पलट देंगे। जब इसको हम पलटेंगे देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास CD = CC′ / C′ + C, इसको हम उलट देंगे इस इक्वेशन को। जब उलटेंगे, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है मेरे पास, ये रही 1/CD = C′ + C′, इसको हम क्या करेंगे, उलट देंगे समझो। ठीक है ना, इसका रिवर्स ले लिया तो क्या हो जाएगा, सी डी ऊपर आ जाएगा और ये वाला 1 जो है नीचे चला जाएगा। नीचे जब किसी चीज़ के 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से ये सी सी डैश ऊपर था, जब इसको रिवर्स करेंगे तो सी सी डैश कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और सी डैश प्लस सी क्या था ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। इक्वेशन को समझो, हमने पलट दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD = CC′ + C′ + C, जो ऊपर वाली चीज़ें थी वो नीचे चले जाएंगी, और नीचे वाली कहाँ आ गई, ये ऊपर आ गई। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, C के लिए फॉर्मूला क्या था, C = A/ε0 / D0। ठीक है, अब D नॉट किसके इक्वल है, D - T के। D नॉट किसके इक्वल है, D - T के। यहाँ देखो ये डायग्राम में है अभी। ठीक है, ये जो है D नॉट क्या है, D - T जो है वो किसके इक्वल है, D नॉट के इक्वल है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, फिर मैंने यहाँ पे सी डैश का फॉर्मूला भी लिखा, ये भी हमने पहले ड्राइव कर चुके हैं। सी डैश किसके इक्वल है, A ε₀ εr / T। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास था ये, सॉरी टी नहीं था बल्कि ये था A ε₀ εr डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, डी था। लेकिन यहाँ मैं डी क्यों नहीं लिख रही, कि यहाँ देखो डायग्राम में, फिर हम पीछे आ जाते हैं, ये जो डायलेक्ट्रिक वाला पोर्शन है इसकी थिकनेस को हम किससे शो कर रहे हैं, टी से। ठीक है, टी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पहले हमने क्या किया था, एयर और इंसुलेटिंग मीडियम के लिए अलग अलग किया था। जब अलग अलग किया था तो डिस्टेंस को हम डी से शो कर रहे थे, है ना। डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, हमने डी से शो किया था। अब डिस्टेंस है, हम उसको किसी चीज़ से भी शो कर सकते हैं। जैसे जब न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई करते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें हम किससे शो कर रहे थे, एस से भी शो किया है डिस्टेंस को, है ना, डी से भी शो किया है हमने डिस्टेंस को। तो यहाँ पे टी क्या है, थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम,
टी असल में क्या है, डिस्टेंस है क्या, ये थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पे सी डैश के लिए हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था वो था ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डी की बजाय टी से शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने टी लिखा है। ठीक है, इसी तरह से जब एयर है तो एयर के लिए हम डिस्टेंस को शो कर रहे हैं डी नॉट से, पहले क्या था डी था, अब डी नॉट से शो कर रहे हैं तो हमने डी नॉट लिख दिया। अब क्या किया, ये सी और सी डैश की जो वैल्यूज हैं इनको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला है ना, यहाँ पे सी की जगह सी की वैल्यू, सी की जगह क्या रखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी नॉट, सी डैश की जगह क्या रख देंगे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय टी, इसी तरह यहाँ भी रखेंगे। ये देखो ये एक सी की वैल्यू, ये सी डैश की वैल्यू, फिर क्या था ये सी डैश प्लस सी, तो ये क्या है सी डैश प्लस और सी की वैल्यू रख दी। ठीक है, जब इसको हमने रखा तो देखो यहाँ क्या था, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाला ए और ये वाला ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए और ए क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, ये एक साथ लिख दिया, दो ए थे दो एप्सिलॉन नॉट थे, एप्सिलॉन आर एक ही था। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डी टी, ये जो था डी और टी को एक साथ लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा डी नॉट टी, एलसीएम क्या आ जाएगा डी, यहाँ डी नॉट होगा, ये डी लिखा हुआ है तुम लोग डी नॉट कर लेना। ठीक है, डी नॉट है ये वाला जो डी है ये डी नॉट है। फिर यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे ये नीचे तो ये हो जाएगा डी नॉट टी एलसीएम आएगा, इस डी नॉट टी से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो टी और टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और क्या बचेगा हमारे पास डी भी बचेगा। फिर यहाँ पे हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी नॉट, डी नॉट से कैंसिल हो जाएगा टी बचेगा, और ये ऊपर नीचे देखो डी नॉट टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, जो बचा यहाँ उतार लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ देखो कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या है ए और एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, अब ये ऊपर वाला ए एक ए से एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा ऊपर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और नीचे हमारे पास क्या बचा, ठीक है जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ दिया, पहले कॉमन लिया और फिर कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बचा एप्सिलॉन आर डी नॉट प्लस टी। ठीक है, ये बचा। फिर क्या किया हमने, ये सी डी है, सी डी क्या है कैपेसिटेंस ऑफ कंपाउंड कैपेसिटर, फिर मैंने ये नीचे देखो क्या है मेरे पास एप्सिलॉन आर डी नॉट और प्लस टी, अब यहाँ से कॉमन मुझे मैंने लिया एप्सिलॉन आर, हालांकि एप्सिलॉन आर तो यहाँ कॉमन है ही नहीं, ठीक है यहाँ एप्सिलॉन आर डी नॉट है और ये प्लस के बाद सिर्फ टी है, एप्सिलॉन आर नहीं था लेकिन मैंने एप्सिलॉन आर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा ये सिर्फ एप्सिलॉन आर कॉमन हो गया बाहर आ गया, डी नॉट यहाँ आ गया और टी के पास तो एप्सिलॉन आर था ही नहीं, हमने फिर भी कॉमन ले लिया। अच्छा आप एक चीज़ गौर से सुनो, जब हम कॉमन लेने जाते हैं और हम देखें कि कॉमन हम ले रहे हैं लेकिन वो चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है जैसे यहाँ पे टी के पास एप्सिलॉन आर नहीं था मैंने फिर भी एप्सिलॉन आर ये कॉमन लिया, तो इस टी को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है इस टी को डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर टी के पास नहीं था लेकिन मैंने फिर भी कॉमन लिया तो मैं क्या करूँगी जो चीज़ कॉमन ले रही हूँ उसको इस टी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है टी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये एप्सिलॉन आर से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा डी नॉट प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे डी नॉट की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ देखो पीछे आओ यहाँ पे डी नॉट किसके इक्वल है डी माइनस टी के, तो अब मैं क्या करूँगी ये जो डी नॉट है ये वाला, ठीक है अब इसकी जगह हम रख देंगे डी माइनस टी, ये हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ आ गया, टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, ये टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर होगा, एप्सिलॉन आर यहाँ पे लिखना भूल गए यहाँ आएगा, ठीक है ये क्या है डी माइनस टी, डी नॉट की जगह हमने रखा और यहाँ क्या आ गया टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर यहाँ आएगा, यहाँ लिखना मैं भूल गई हूँ तुम लोग लिखोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया कंपाउंड कैपेसिटर का, क्लियर है यहाँ तक, ये फॉर्मूला किसका है कंपाउंड कैपेसिटर का फॉर्मूला है सी डी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर यहाँ आएगा टी का, ठीक है लिखना है हमें। ओके तो ये हमने कर लिए कंपाउंड कैपेसिटर तक, ठीक है अब इसकी हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। ये हमारे पास है एग्जांपल है 12.11, एग्जांपल है 12.11, जल्दी से बुक्स खोलो, मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बुक्स 10 ईयर पास लेके बैठा करो।
ओके, तो ये एग्जाम्पल है 12.11, ठीक है। पेज नंबर है ये तुम्हारी बुक का 69, बुक का पेज नंबर है 69, ठीक है, और ये एग्जाम्पल है 12.11। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लो। इसमें कहते हैं द पैरेलल प्लेट्स ऑफ एन एयर फिल्ड कैपेसिटर्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, वॉट मस्ट द प्लेट एरिया बी इफ द कैपेसिटेंस इज 1 फैरड। ठीक है, क्या कहते हैं, द पैरेलल प्लेट्स ऑफ एन एयर फिल्ड कैपेसिटर्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट। तो ये क्या है, डिस्टेंस किससे शो करेंगे, डी से। डी कितना है, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ भी मिलीमीटर होता है उसको हमेशा कन्वर्ट करते हैं मीटर में, और मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ये 1 था तो 1 को 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.001 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस है 1 फैरेड, और कहते हैं व्हाट मस्ट द एरिया, एरिया हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया को शो करेंगे कैपिटल ए से, एरिया है कैपिटल ए, कैपेसिटेंस 1 गिवन है, डिस्टेंस 1 मिलीमीटर गिवन था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, ये एग्जाम में भी वैल्यू गिवन होगी, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.89 एक्सपोनेंट माइनस 12, 8.89 एक्सपोनेंट माइनस 12, यूनिट होता है इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर हटा देना। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में कहते हैं द पैरेलल प्लेट्स ऑफ एन एयर फील्ड कैपेसिटर, एयर फील्ड कैपेसिटर का मतलब क्या है, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान एयर यूज़ हो रही है। ठीक है, एयर यूज़ हो रही है तो हम एयर वाला फार्मूला लिखेंगे, एयर वाला फार्मूला क्या था, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, सी क्या है 1, सी की जगह वैल्यू रखेंगे सी की, ए हमें कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, क्या है 8.89 एक्सपोनेंट माइनस 12, और डी की जगह डी की वैल्यू रखेंगे, क्या है मीटर में कन्वर्ट होने के बाद है 0.001। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा किसका, एरिया का 1.124 एक्सपोनेंट प्लस 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अब मैं बोल रही हूँ, इसको लिखो तुम लोग और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे बता देना कि आंसर इसका सही है गलत, मुझे इसका सोल्यूशन भेजना। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। ओके, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, क्वेश्चन लिखो, ये बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है। ये है द पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन इंसुलेटिंग मीडियम, व्हेन इंसुलेटिंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स, इंसुलेटिंग मीडियम इज यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड प्लेट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट, What must the plate area be if the capacitance is 1 farad? ठीक है, as it is वही question है जो book में है, सिर्फ मैंने क्या किया है, book में लिखा हुआ था the parallel plates of an air filled capacitor, क्या कहते हैं plates के दरमियान air है और मैंने लिख दिया है, लिखवाया है the parallel plates of capacitor when an insulating medium is used between the plates. When an insulating medium is used between the plates, ठीक है, और फिर क्या करना है कि बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसा ही होगा। हम ये भी कर सकते हैं कि इंसुलेटिंग मीडियम की जगह मैं लिख सकती हूँ डायलैक्ट्रिक, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम की जगह हम लिख सकते हैं डायलैक्ट्रिक भी लिख सकते हैं। अब इसे तुम्हें सॉल्व करना है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 2, ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहां पे है 2। ओके, अब हम कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये है प्रॉब्लम, ठीक है, इससे पहले मैंने एग्जांपल करवाई थी, अब हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है 12.19, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 12.19, ठीक है, 19 प्रॉब्लम है ये चैप्टर नंबर 12 की। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लो। इसमें कहते हैं अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेस 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर,
ये पेज नंबर है 8080 पे है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है 8080 पे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कहते हैं कि पैरेलल प्लेट्स हैज़ 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, ये क्या होगा एरिया, जब भी ऐसे गिवन होगा तो ये क्या होगा एरिया। एक चीज़ और हो सकती है, इसे मल्टीप्लाई की जगह बाय भी लिखा हो सकता है, BY/ अगर लिखा हो ना 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर, या फिर लिखा हो 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, BY/30 सेंटीमीटर, तो भी वो क्या होगा एरिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 30, क्या हो जाएगा 900 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, दोनों को ख़त्म करना है। 1 सेंटीमीटर होता है तो जो भी वैल्यू होती है उसको 1 दफ़ा 100 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हैं तो 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए देखो मैंने 1 के बाद 4 ज़ीरो लगाएं। 1 सेंटीमीटर को ख़त्म करना होता है तो 100 से 1 टाइम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हैं तो 100 से 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, ठीक है 900 डिवाइडेड बाय 100 फिर डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 0.09 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये क्या है डिस्टेंस को शो करेंगे डी से, सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम। फिर इसके बाद आगे कहते हैं हाउ मच द कैपेसिटेंस चेंज, चेंज ऑफ कैपेसिटेंस है तो डेल्टा सी से हम शो करेंगे, ठीक है चेंज ऑफ कैपेसिटेंस को हमेशा डेल्टा सी से शो करते हैं। चेंज किसी भी चीज़ का हो तो हम डेल्टा लगाते हैं उसका, अगर चेंज ऑफ लेंथ होगा तो डेल्टा एल, चेंज ऑफ वॉल्यूम है तो डेल्टा वी, चेंज ऑफ कैपेसिटेंस है तो डेल्टा सी, ठीक है। बोलने में हम क्या बोलते हैं चेंज ऑफ समथिंग, जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो जहाँ चेंज होता है तो उसकी जगह डेल्टा लग जाता है। चेंज ऑफ कैपेसिटेंस मीन्स हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे डेल्टा सी फाइंड करना है। फिर कहते हैं इफ़ अ डायलैक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया बट ऑफ थिकनेस, ये थिकनेस को शो करेंगे टी से, थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। फिर कहते हैं द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटीरियल, तो डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को शो करते हैं एप्सिलॉन आर से, किससे शो करते हैं एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर यहाँ पे कितना गिवन है, ये गिवन है 2 गिवन है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ सारी वैल्यूज़ आ गई, हमने डेटा बना लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे डेल्टा सी, देखो डेल्टा सी का फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है डेल्टा सी देखो किसके इक्वल है, ये रहा डेल्टा सी किसके इक्वल है सी डी माइनस सी के, डेल्टा सी किसके इक्वल है सी डी माइनस सी के, तो हम सी डी और सी सेपरेट अलग अलग फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पहले सी डी का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी ओवर एप्सिलॉन आर, ए भी गिवन है एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट होता है, डी भी गिवन है, टी क्या है थिकनेस गिवन है, एप्सिलॉन आर भी गिवन है, ठीक है यहाँ देखो सारी वैल्यूज गिवन है, ए गिवन है डी भी गिवन है, टी क्या है थिकनेस, एप्सिलॉन आर भी गिवन है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है कांस्टेंट, सारी यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सी डी की वैल्यू आ गई 6.3 एक्सपोनेंट -11। अब हम आगे सी के लिए फॉर्मूला लिखा क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ए भी गिवन है एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, डी भी गिवन है, तो सी की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे सी में सी डी में से सी को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 2.3 एक्सपोनेंट -11, ठीक है आंसर हमारे पास आ गया 2.3 एक्सपोनेंट -11 फैरेड। ओके अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब है क्या है कॉम्बिनेशन ये ऑफ है, ठीक है ओ एफ ऑफ है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो अब नया टॉपिक है, इससे पहले क्या था कंपाउंड कैपेसिटर की से रिलेटेड 2 हमारे पास न्यूमेरिकल थे, एक एग्जांपल थी और एक क्या थी प्रॉब्लम, मैंने दोनों करवा दी हैं। अब क्या है कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं पैरेलल और सीरीज, ठीक है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जब भी कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाएं, ठीक है जब भी कैपेसिटर्स को हम सीरीज में लगाएं तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज रिमेंस कांस्टेंट,
ठीक है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर। जब भी कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएं, ठीक है, तो हमेशा चार्ज कांस्टेंट रहता है। अच्छा देखो, याद रखने की चीज़ क्या है कि जब हम मैं कैपेसिटर के हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन हमारे पास दो तरह के हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब एक वक्त में एक चीज़ याद रखो, सीरीज याद रखो, और हम दो चीज़ें देखते हैं, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, हम दो चीज़ों को देख रहे होते हैं, एक चार्ज दूसरा वोल्टेज। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, एक चार्ज और एक वोल्टेज। ठीक है, अब तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, सीरीज में अगर चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज इसका अपोजिट होता है, वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज डिफरेंट होगा, अगर मैं कहूँ वोल्टेज कांस्टेंट है तो चार्ज डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक वक्त में चार्ज और वोल्टेज में से एक चीज़ कांस्टेंट होती है, दोनों चीज़ें एक वक्त में कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि चार्ज रिमेंस कांस्टेंट एंड वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर। वोल्टेज हर कैपेसिटर पर डिफरेंट होता है और चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट। तो चार्ज के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू क्यू वन इक्वल्स टू क्यू टू इक्वल्स टू क्यू थ्री, और वोल्टेज के लिए हम लिखेंगे V इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। क्यों लिखेंगे कि देखो, अब इक्वेशन ड्राइव करनी है, इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं, देखो ये है सी वन सी टू सी थ्री, तीन कैपेसिटर्स हैं। सी वन के लिए चार्ज क्या होगा, क्यू वन, सी टू के लिए चार्ज क्या होगा, क्यू टू, सी थ्री के लिए चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू थ्री। इसी तरह से सी वन के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी वन, C2 के लिए V2, C3 के लिए V3। ठीक है, अब टोटल चार्ज क्या है, Q, और टोटल वोल्टेज क्या है, V। ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये कैपेसिटर का साइन है, सैम्बल है। ठीक है, कैपेसिटर का सैम्बल क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस और दोनों इक्वल होंगी, बड़ी छोटी नहीं होंगी, देखो ये दोनों इक्वल होंगी, ऊपर से नीचे से बराबर होंगी, अगर हम छोटा बड़ा बना देंगे तो बैटरी का साइन बन जाता है। बैटरी का साइन जो होता है ना, वो पॉजिटिव वाली लाइन लंबी होती है, नेगेटिव लाइन वाली लाइन हमेशा छोटी बनाते हैं। यहाँ भी देखो, ये पॉजिटिव वाली लाइन क्या है, बड़ी है, नेगेटिव वाली लाइन क्या है, छोटी है, तो पॉजिटिव वाली लाइन को हमेशा बड़ा रखते हैं, नेगेटिव वाली लाइन को हमेशा छोटा रखते हैं, ये बैटरी का सैम्बल होता है। जबकि कैपेसिटर का सैंपल क्या होता है, दो पैरेलल लाइंस और दोनों एक जितनी बड़ी होती हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, सी वन सी टू सी थ्री, दोनों तीनों को सीरीज में लगा दिया। सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे कॉलेज में हमारे क्लासरूम्स बने हुए हैं, है ना, लैब्स है, पहले फिजिक्स लैब है, सॉरी पहले केमिस्ट्री लैब है, फिर फिजिक्स लैब है, फिर बायोलॉजी, ये तीनों लैब सीरीज में, तीनों लैब क्या हैं, सीरीज में हैं, एक के बाद एक, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी शुरू हो रही हैं, एक लाइन में हैं। जब चीज़ें एक लाइन में होती हैं तो हम उसे कहते हैं सीरीज। ठीक है, क्या कहते हैं, वो सीरीज हैं, पहले केमिस्ट्री लैब, फिर फिजिक्स लैब, और फिर क्या है हमारे पास, बायोलॉजी लैब। इसी तरह से जब हम कॉलेज में एंटर होते हैं तो पहले स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम के बाद रूम नंबर वन, फिर रूम नंबर टू, फिर रूम नंबर थ्री। इसका मतलब क्या है, स्टाफ रूम, रूम नंबर वन, रूम नंबर टू, रूम नंबर थ्री, ये चारों रूम्स क्या हैं, सीरीज में हैं। लेकिन इनके साथ केमिस्ट्री लैब सीरीज में नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब और रूम नंबर थ्री के बीच में गैप आ गया है ना। सीरीज के मतलब क्या होता है कि एक साथ जुड़ी हुई चीज़ें, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, एंड सो ऑन। तो यहाँ भी देखो कैपेसिटर्स क्या है, पहला कैपेसिटर, फिर उससे दूसरा जोड़ दिया, दूसरे से तीसरा जोड़ दिया, और होते तो हम और इसी तरह से आगे बढ़ाते जाते। ये क्या है, सीरीज में है। जब हम कैपेसिटर सीरीज में रखते हैं तो देखो चार्ज, मैंने क्या कहा, चार्ज कांस्टेंट रहता है। Q1 देखो किसके इक्वल है, Q के। Q2 को भी मैंने किसके इक्वल किया हुआ है, Q के। Q3 को भी मैंने किसके इक्वल किया हुआ है, Q के। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि Q1 जो टोटल चार्ज है ना, Q टोटल चार्ज है Q, वही Q1 होगा, वही Q2 होगा, वही Q3 होगा। मैंने कहा भाई टोटल चार्ज है 10 कूलम, अगर टोटल चार्ज 10 कूलम है तो इसका मतलब Q1 भी 10 होगा, Q2 भी 10 होगा, Q3 भी 10 होगा। ठीक है, कि तीनों चार्ज क्या हैं, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगाया और सीरीज में चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए हम इक्वेशन लिखेंगे Q इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3।
चार्ज कांस्टेंट रहता है सीरीज में, वोल्टेज डिफरेंट होता है. डिफरेंट का मतलब क्या होता है, जो टोटल वोल्टेज है ठीक है वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी C1 का वोल्टेज, C2 का वोल्टेज, C3 का वोल्टेज. इन तीनों के वोल्टेज C का क्या हो जाएगा, C1 का V1, C2 का V2, C3 का V3. इन तीनों वोल्टेजेस का वो V1, V2, V3 का सम लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, V टोटल वोल्टेज V के इक्वल होगा. तो सीरीज़ में क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, लेकिन जितने भी जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज़ में लगे होते हैं उनका सम अगर हम लें तो वो टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे. अब क्या है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चार्ज किसके इक्वल है, सी वी के, क्यू इक्वल्स टू सी वी. यहाँ से हम वी के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय सी. अच्छा देखो, अब क्या होता है जब इक्वेशन हम ड्राइव करने जाते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है हम उसके लिए इक्वेशन नहीं लिखते. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट होती है हम उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. यहाँ पे डिफरेंट चीज़ क्या है, वोल्टेज. ठीक है, डिफरेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, वोल्टेज. ओके, तो मैं कह रही थी कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है ठीक है हम उसको नहीं लिखते, जो डिफरेंट होती है हम उसको लेके चलते हैं. ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट था तो इसलिए हमने क्यू इक्वल्स टू सी वी लेके नहीं चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, वी के लिए इक्वेशन, वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है तो हम वी के लिए देखेंगे. हम देखेंगे C1 के लिए वोल्टेज क्या है, V1 के लिए वोल्टेज क्या है और C2 के लिए वोल्टेज क्या है, C1, C2, C3. इन तीनों के लिए हम देखेंगे वोल्टेज V1, V2, V3 क्या हैं. C1 है ठीक है, मैं ज़रा पॉइंटर ले लूँ. ठीक है, अब क्या है, C1 था तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1. इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q1 डिवाइडेड बाय C1. लेकिन हमें क्या पता है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा. Q1 देखो किसके इक्वल है, Q के, तो इस Q1 की जगह हम क्या रख देंगे, Q. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, V1 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C1. इसी तरह से हम V2 के लिए लेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q2 डिवाइडेड बाय C2. Q2 भी देखो किसके इक्वल है, Q के, तो हम फिर से क्या करेंगे, Q2 की जगह लगेंगे Q रख देंगे तो हो जाएगा V2 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C2. इसी तरह से अब हम C3 के लिए फाइंड करेंगे V3, तो V3 किसके इक्वल हो जाएगा, Q3 डिवाइडेड बाय C3. लेकिन Q3 भी किसके इक्वल है, Q के. पीछे डायग्राम में देख लेते हैं हम. ठीक है, यहाँ देखो Q3 भी किसके इक्वल है, Q के. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी Q3 की जगह रख देंगे Q, तो ये हो जाएगा V3 इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C3. तो वोल्टेज के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अब इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, V1 क्या था, Q डिवाइडेड बाय C1, V2 क्या था, Q डिवाइडेड बाय C2, V3 क्या है, Q डिवाइडेड बाय C3. तो इस पूरी इक्वेशन में देखो ये Q क्या है, कांस्टेंट कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो ये वाला Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ये किसके लिए इक्वेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. किसके लिए इक्वेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज कांस्टेंट, वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर. अच्छा, ये अपॉन में जो आ रहा है ना, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये क्या शो कर रहा है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है. ठीक है, क्या शो कर रहा है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो कैपेसिटेंस कम हो जाती है. तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द स्मॉलर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. कि इसमें जो आंसर आता है कैपेसिटेंस का, ठीक है, 1/C जो आएगा, तो जो C1, C2, C3 थी ना, उनमें जो सबसे छोटी होगी उससे भी ये कम होगा. ठीक है, या इस तरह से समझ लो कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल क्या होता है, पहले तो पैरेलल को समझ लेते हैं कि मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और बायोलॉजी लैब, ये सीरीज में हैं. अब इन लैब्स का के सामने क्या है, लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी है और रूम नंबर 4 है. अगर मैं रूम नंबर 4 और लाइब्रेरी का अपनी लैब से देखूं, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये पैरेलल हैं.
लाइब्रेरी जो है वो फिजिक्स लैब या बायोलॉजी लैब के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल, पैरेलल समझो आमने सामने, तो हम उसे क्या कहते हैं, पैरेलल हैं, दो चीज़ें जो एक दूसरे के सामने हों, ठीक है। और पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो ऐसी लाइंस जो साथ साथ चलें जिनका हर हर पॉइंट पे डिस्टेंस इक्वल हो, दो ऐसी लाइंस जिनका हर हर पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल हो, या फिर दो ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर सकें, वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी क्या होगा कि वो साथ साथ नहीं होंगी, एक दूसरे के सामने फ्रंट पे होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके कॉम्बिनेशन की तरफ। कॉम्बिनेशन क्या है, ये उसका अपोजिट है सीरीज का। अब मैंने कहा था सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट रहता है, सीरीज में अगर चार्ज कांस्टेंट रहता है तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ये एक दूसरे का अपोजिट है। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज डिफरेंट, इसका अपोजिट कर दो तो पैरेलल बन जाता है, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। देखो पैरेलल में क्या होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच कैपेसिटर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इक्वल्स टू वी वन इक्वल्स टू वी टू इक्वल्स टू वी थ्री। चार्ज के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू इक्वल्स टू क्यू वन इक्वल्स टू क्यू टू इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता चल गया चार्ज डिफरेंट होता है, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास चार्ज की, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो डिफरेंट को लेके हम चलते हैं, तो हम इसी को लेके चलेंगे। सी वन के लिए क्यू वन फाइंड करेंगे, सी टू के लिए क्यू टू, सी थ्री के लिए क्यू थ्री। तो सी वन के लिए क्या हो जाएगा, क्यू वन इक्वल्स टू सी वन वी वन। अब हमें पता है वी वन किसके इक्वल है, वी के, तो वी वन की जगह वी रख दिया। इसी तरह सी टू के लिए क्या हो जाएगा, क्यू टू इक्वल्स टू सी टू वी टू। वी टू किसके इक्वल है, वी के, तो वी टू की जगह वी रख दिया। इसी तरह इसको देखा, फिर हमने चार्ज के लिए इक्वेशन लिखी, क्यू इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख दो, देखो क्यू वन क्या था, सी वी वन, क्यू टू क्या है, सी वी टू, क्यू थ्री क्या है, सी वी थ्री। तो हमने क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की जगह वैल्यूज रखी, कॉन्स्टेंट क्या है, वी कॉमन ले लिया, वी वी से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई सी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ये कौन सी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की इक्वेशन है, ठीक है। किसकी इक्वेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये क्या शो कर रहा है कि जितने भी कैपेसिटेंसीज हैं उनका सम लें तो वो टोटल कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाती है। यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप कर रही हूँ, हालांकि इसके बाद मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, लेकिन आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, इसके बाद हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तुम्हारी बुक में ये स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम नंबर 15 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। 9 प्रॉब्लम्स हैं, 9 प्रॉब्लम्स हैं जो कि कैपेसिटर की हैं, जिनमें से हमने बुक की प्रॉब्लम सिर्फ एक की है, 19, प्रॉब्लम नंबर 15 से लेकर 23 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में प्रॉब्लम नंबर 15 से लेकर 23 तक जितनी की प्रॉब्लम है सारी की सारी कैपेसिटर की हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक 19 की हैं, 9 में से 1 माइनस करो तो अभी 8 बाकी हैं। इसके अलावा बुक की तुम्हारी हैं एग्जाम्पल्स भी हैं, बुक की 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम मिला के 10 न्यूमेरिकल हैं जो किसके हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, जो मैं तुम्हें कल करवाऊंगी। कल भी सारे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। कंपाउंड कैपेसिटर की 2 ही थी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स दोनों आज मैंने करवा दिए, पैरेलल और सीरीज के बाकी हैं 10 हैं एग्जाम्पल और प्रॉब्लम्स मिला के न्यूमेरिकल। तो तुम्हें अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है। अब समझने की चीज़ क्या, एक तो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट है, चार्ज कॉन्स्टेंट है, वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो चार्ज डिफरेंट वोल्टेज सेम। अब तुम्हें याद रखना है कौन सी कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ कॉन्स्टेंट है, कौन सी डिफरेंट है, फॉर्मूला क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अपॉन वाला फॉर्मूला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो एक ही लाइन में फॉर्मूला है, सी इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद रखना है तुम्हें, थ्योरी जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, थ्योरी तुम्हें पढ़ना है, याद रखना है। तो कल इंशाल्लाह मैं इसके तुम लोगों को करवाऊंगी प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स, ठीक है। चलो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और लेक्चर को अच्छी तरह देखना।